अस्सलाम दोस्तों, मैं मोहम्मद साजिद खान और आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में मैं उस बच्चे के बारे में बात करने वाला हूं जिनको पढ़ने में आगे प्रॉब्लम होती है। फाइनेंशियल इशू की वजह से उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हो पाते हैं, आगे के स्टडी नहीं कर पाते। इसी के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ कि उन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए जिसमें कोई कास्ट का कोई सिस्टम नहीं है। ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का नोटिस आया हुआ आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। तो एक एक पॉइंट पॉइंट के हिसाब से आपको समझाएंगे। अगर वीडियो का स्किप करेंगे तो आपको समझ में आ सकता है। मैं आपको एक एक पॉइंट के हिसाब से आपको समझाने वाला हूँ कि आप कैसे स्कॉलरशिप लोगे, आप कैसे इसका बेनिफिट उठा सकते, आप किस स्टेट में हो और आपको कहाँ जाना होगा, कब तक आपको चुकाना होगा। यानी मोटिवेट की एक तरीका से एजुकेशनल लोन आपको मिलेगा जो कि आपको अपना करियर कंप्लीट होने के बाद, करियर बनाने के बाद आपको धीरे धीरे पार्टीशन आपको पैसे रिफंड करने। तो बिल्कुल एजुकेशनल लोन है और उन बच्चों के लिए जो हर स्टेट के बच्चे हैं। लेकिन क्या क्या क्राइटेरिया है इसके लिए ये जानेंगे और इस जानने के लिए आपको वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना होगा, तभी जाकर आपको समझ में आएगा आखिर नोटिस कह क्या रहा और इसका फ्रीडम कैसे होता। इसमें ना हिंदू की बात की गई, ना मुस्लिम की बात की गई, ना सिख नहीं क्रिश्चियनिटी की। इसमें सिर्फ और सिर्फ बात की एनी, कौन सा वर्ड यूटिलाइज हुआ, एनी स्टूडेंट। तो एनी स्टूडेंट मतलब कोई सभी, ना एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कुछ भी नहीं, एनी स्टूडेंट जो अफोर्ड उसके लिए और जो अफोर्ड कर भी सकते हैं उनके पेरेंट नहीं देना चाहते। बहुत सारे क्राइटेरिया होता है मतलब एनी स्टूडेंट के लिए। चलिए स्क्रीन पर चल के आपको पॉइंट पॉइंट डिस्कस करता हूँ बिना देरी के। चलिए हम आ जाते हैं डिस्प्ले पे और डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए हम लोग डिस्प्ले पे आ गए और डिस्प्ले पे क्या दिया हुआ इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। इन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस अनाउंसेस फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम, FSS फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफिस स्कीम, फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम इतना बड़ा वर्ड है। 24 और 25 सेशन की, इस सेशन की बात कर रहे हैं जो अभी चल रहा है। इस सेशन में आप स्टडी कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है इसी सेशन, ठीक है। अब देखिए ये सारा आपको ही बताया कि क्या क्या क्यों है, DSW क्या है। यानी DSW का मतलब ये होता है इन स्टूडेंट वेलफेयर, यानी एक तरीका का जो मैंने आपको स्कॉलरशिप वाले वीडियो बनाया था ना, डिस्क्रिप्शन आई बटन में वो लिंक दे दूंगा, वहाँ सब जाके देख लेना में कैसे स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। वही है DSW स्टूडेंट वेलफेयर के ऊपर काम करती है, ठीक है। तो DSW ही आपको यह पैसा दे रही है, ठीक है। इसमें क्या करें, सेशन जो है ना ये एकेडमिक सेशन 24 और 25 की बात कर रही है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो इस वाले वेबसाइट में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें क्राइटेरिया की बात करें, एलिजिबिलिटी की, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से बच्चे एलिजिबल है, इन्हें मिल सकता है, क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या सिस्टम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहेगा आप फुल टाइम बोनाफाइड स्टूडेंट स्टडिंग इन एनी UG PG प्रोग्राम, कह रहा है कि उस स्टूडेंट की बात की जा रही है कि जो UG और PG का स्टूडेंट हो, एनी डिपार्टमेंट, एनी यूनिवर्सिटी, एनी इंस्टीट्यूशन, एनी यूनिवर्सिटी, एनी कॉलेज, किसी भी कॉलेज की बात कर रहा है, ठीक है। DU यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कर रहा है कि आप किसी UG और PG कोर्स, यानी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, दैट मीन्स बैचलर और मास्टर की बात है, BA MA मतलब किसी भी स्ट्रीम्स हो, फटाफट आप समझ लें। वही बता डिपार्टमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहीं का भी हो ऑफ दिल्ली, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनी का मतलब है कि वो ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो उनके पास 86 समथिंग कॉलेजेस है उसकी बात करें, ना कि अदर की कॉलेजेस की बात करें। आप वो अपना गारंटी ले रहे हैं कि हमारे पास 80 कॉलेज है यूजी पीजी के लिए, तो आप 86 समथिंग लाइक डेट है, तो 86 समथिंग लाइक डेट उसमें आप यूजी और पीजी यानी बैचलर्स और मास्टर आप कर सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप कर सकते हैं। कितना सपोर्ट करेंगे, फुली तो कोई देता नहीं है, कितना परसेंट देंगे उसके ऊपर आगे डिस्कस करने वाले हैं। बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फैमिली इनकम कैटेगरी एलिजिबल टू अप्लाई, कोई भी एनी फैमिली, जैसे लाइक डेट कोई भी फैमिली से, कोई उनका मतलब नहीं, एनी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको एक सुटेबल वर्ड दिया था
स्टूडेंट्स एनरोल इन कंस्टिट्यूट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जैसे बीटेक प्रोग्राम भी, बीटेक प्रोग्राम एक्सक्लूडिंग सीआईसी, यानी इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है, जैसे 5 ईयर का होता है, या इंटीग्रेटेड बीटेक भी होता है, जो मतलब दो साल दूसरे जगह करके वहाँ से वहाँ इंटीग्रेटेड, और 5 ईयर प्लान को भी इंटीग्रेटेड बोलते हैं, इसको छोड़कर, ये 5 ईयर कोर्स को छोड़कर और बीटेक में सीआईसी छोड़कर, ठीक है, सारे लोग इसमें क्या एलिजिबल है, ठीक है, प्रोग्राम सोल एंड एन एस डब्ल्यू आर नॉट एलिजिबल, ये वाला एक बार आप देख लीजिए, वाले कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल नहीं होते इस वाले कोर्स का, ठीक है। क्या कह रहा है, सीरियल नंबर कह रहा है, सीरियल नंबर हो गया ये, फैमिली इनकम इन पर एनम एलिजिबिलिटी आपको शो करना है, यानी कि आपके पास पैसा लाखों में आप भरना चाह रहे हैं, कॉलेज इतने भी कोई भी नहीं, आप फी वेवर परसेंटेज देगी, ठीक है, फी वेवर लिमिट देगी, क्या क्या लिमिट देगी, देखिए दो कैटेगरी में इन्होंने बांटा, पहला कैटेगरी को बाद में फिर दूसरा कैटेगरी बांटा, फिर लेस देन और इक्वल टू इतना है 4 लाख रुपीज, अगर किसी का स्टूडेंट का घर का एनुअल इनकम 4 लाख का, एनुअल इनकम का मतलब होता है कि जो भी आप उस साल में आप क्या करते हो, सेव करते हो, सेफ अमाउंट, ठीक है, जो आपका एक साल के अंदर बचता है, यानी कि आपका पापा साल भर में कमाते हैं, तो उनका जो क्राइटेरिया है कि मतलब इंक्लूड लेकर कि 4 लाख रुपया कमाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल अमाउंट होता है सेफ की बात करती है, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर पर कोई जोर था भी नहीं है, जो पूरे साल में, इनका कहने का मतलब कॉलेज का, जो पूरे साल में वो अमाउंट 4 लाख रुपया अगर इनकम जनरेट करते हैं तब जाके आप एलिजिबल हो, और उसमें कितने परसेंटेज ऑन देंगे, 100% आपको देंगे, कितना देंगे, 100% आपको, 100%, यानी जितना भी आपका एजुकेशन में पैसा लगे वो पूरा का पूरा देंगे, अगर आपके घर का इनकम 4 लाख रुपये तक होगा साल का, या 4 लाख से कम, यानी आपके घर में दो आदमी कमाने वाला है, तो अगर दोनों आदमी का इनकम को जोड़कर साल का, महीने का अगर 20,000 हुआ एक का, दूसरा का 20,000, तो 40,000, ठीक है, महीने का 40 हो गया, तो इसी तरह अगर दोनों का आप ऐड कर देगा 4 लाख तक होता है, या 4 लाख से कम, तो आपको 100% का स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फी वेवर लिमिट, एक्चुअली फी और अप टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 12,000, ठीक है, जो आपका फी का लिमिट दिया, और क्या दिया कि 12,000 तक आपका फी होनी चाहिए, तो जो कॉलेज अफोर्ड, डीयू का यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पास ज़्यादा फी वाला कॉलेज नहीं है कि ज़्यादा उनको, जो मैक्सिमम फी होगा एनुअली 12,000 रुपये होगा, वहाँ तक वो अफोर्ड खुद कर लेंगे, खुद लगा देंगे, ठीक है। अब कैटेगरी टू क्या कह रहा है, कैटेगरी टू कह रहा है कि बिटवीन 4,01,000 रुपया से लेके 8 लाख तक हो, जिस घर का एनुअल इनकम 4 लाख से 8 लाख हो, आपको ही पता है कि इतना तो नॉर्मली सबका ही होता है, और ये पैसा कम भी नहीं, इसमें अपने स्टडी भी आसानी से कर सकते, जिसका 4 लाख से 8 लाख तक होता है घर का, 4,01,000 रुपया से लेकर 8 लाख, क्योंकि 4 लाख तो पहले कैटेगरी में था, 1 रुपये से 4 लाख तक पहले कैटेगरी में, और दूसरे कैटेगरी में 4,01,000 रुपये से लेकर 8 लाख रुपये तक अगर होता है, तो आपका स्कॉलरशिप मिलेगा 50%, और एक्चुअली फी और अप टू मैक्सिमम फी लिमिट कितना होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, ठीक है। इसका जो फी लिमिट होगा वो कितना होगा, 10,000 रुपये, इसमें 10,000 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें दो क्राइटेरिया आपको पता चल गया, एक अगर एक रुपये से लेके 4 लाख तक होगा, कैटेगरी वन में आएगा, तो उसका 12,000 मैक्सिमम फीस होगा, जो कि कॉलेज 100% आपको दे देगा, आपको 1 रुपये नहीं देना। दूसरा कह रहा है कि 4,01,000 रुपये से लेकर 8 लाख तक होगा, तो कैटेगरी टू में आता है, और कैटेगरी टू में क्या है कि आपको 10,000 से ज़्यादा फी आपको नहीं भरना है, मतलब उससे ज़्यादा का कोर्स नहीं लेना है, नहीं 10,000 का लेना तो कॉलेज 10,000 अफोर्ड करेगी। और मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि अगर आपका कोर्स 15,000 वाला हो, तो कॉलेज 10,000 रुपये दे देगी और आपको 5,000, ठीक है, ये है। अगर पहले वाले जो हैं उनको लगता है कि हम 15,000 का कोर्स पसंद हो रहा है, तो 12,000 कॉलेज देगी, 3,000 रुपये वो अपने पास से देगी, तो ऐसा उन्होंने क्राइटेरिया लगाया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि स्टूडेंट विद एसेंशियल रिपीट जो नॉट एलिजिबल इन एनी प्रीवियस एग्जामिनेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, अगर वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते जो कि रिपीट करें दोबारा, मान लीजिए एक बार पहला बीए के दिए नहीं हुआ, नहीं, यानी जिनका
गैप पीरियड होगा, क्या होगा, जिनका गैप पीरियड होगा वो एलिजिबल नहीं होंगे, गैप वाले एलिजिबल नहीं, एक साल भी गैप होगा तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपका एक साल का भी, अगर 1 ईयर का भी आप गैप लेते हैं तो। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम लोग एक बार कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट ये क्या है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट ये बहुत ही, और देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, फिर लास्ट डेट क्या, सारी चीज डिस्कस करेंगे। देखिए पहला नंबर कॉपी ऑफ ईडब्ल्यूएस यानी वीकर सेक्शन या ओबीसी, ठीक है, ये दोनों में आपको देना है, और एनुअल फैमिली इनकम आपको देना सर्टिफिकेट लास्ट ईयर का जो 23 और 24 सेशन का था, यानी अभी 24-25 सेशन का चल रहा है तो ये वाला नहीं लगेगा, इससे पहले जो आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया था, आपके पेरेंट्स जो बनवाए थे वो सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो इशू आफ्टर मार्च 31, 2024, और इशू कब होना चाहिए, मार्च 31, 2024, और नॉटरी विल बी नॉट एक्सेप्टेड, नॉटरी एक्सेप्टेड नहीं होगा कि आपने नॉटरी बनवा दिया कि मेरा इतना का इनकम है, ये नॉटरी, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, फाड़ के फेंक दिया जाएगा, वहीं फाड़ेंगे हूँ और फेंक देंगे हूँ आपको बाहर। ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएगा, क्लियर कर दिया कि नॉटरी नॉट अलाउड, ये बात याद रहे। सेकेंड पॉइंट क्या करें, सेल्फ स्टडी ऑफ द रजिस्टर्ड इनकम रिटर्न, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, फिल अप द फॉलोइंग मेंबर्स, आपका आईटीआर भी चाहिए, जो आपने आईटीआर फाइल किया या आपके पेरेंट किया, अब उसमें किसका आईटीआर होना चाहिए, इसमें से किसी एक का आईटीआर भी आपको चाहिए, फादर का चाहिए है तो ठीक है, नहीं तो मदर का चाहिए है तो ठीक है, नहीं तो सिस्टर को चाहिए, अनमैरिड होनी चाहिए, शादीशुदा नहीं, ब्रदर के भी चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए, और एज 25 साल से कम होना चाहिए, 25 साल से ज़्यादा होगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ ऑल दी अबव, ठीक है, अब सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप सारे को आपको देना, फादर मदर सिस्टर ब्रदर, अगर अनमैरिड है तो, मैरिड है तो इनको दोनों का नहीं देना, सिर्फ आपका फादर और मदर का देना। साइन ऑफ द अंडरटेकिंग फॉर्म इज द फॉर्मेट गिवन ऑन द इस वाले वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको एक साइन करना है, एक अंडरटेकिंग ली जाएगी कि भाई पैसे तो लौटाने हैं ना आपको, जब आप कामयाब हो जाए तो लौटाएंगे ना, तो अंडरटेकिंग ली जाएगी आपसे। ठीक है, एंड कॉपी ऑफ द बोनाफाइड सर्टिफिकेट ड्यूली साइन बाय द हेड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल डिपार्टमेंट स्टूडेंट स्पॉट द फॉर्मेट गिवन, इस पे जो फॉर्मेट दिया आपको क्या करना, साइन करवाना है, और अपना डिपार्टमेंट जहाँ पे आपका एडमिशन हो रहा है वहाँ पे आपको साइन कराना है, फीस एडमिशन लेने के बाद फीस भरने का टाइम। ठीक है, इसी तरह आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, पासबुक है, क्योंकि पासबुक है जब भी आपका होगा, या एक आपका चेक है तो ब्लैंक चेक चाहिए, उस पर साइन कर देना है, ऐसे क्रॉस साइन कर देना है। ठीक है, ऐसे कर दे या ऐसे ऐसे उसको काट दे या ऐसे ऐसे काट दे, जैसे आपको बेहतर लगे आप क्रॉस करके आप दे सकते हैं, या उस पर लिख दे कैंसिल चेक, कैंसिल चेक, ठीक है, ऐसे आप दे दें जो भी आपको बेहतर लगे। ठीक है, अब एक अदर चीज जो इम्पोर्टेंट है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म, ये फ्राइडे 4 को खत्म हो जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट है 4th ऑफ अक्टूबर, 4 अक्टूबर की ये फॉर्म खत्म हो जाएगा, आपको नहीं मिल पाएगा ना आपका फीस जमा हो पाएगा, 4 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है। ठीक है, और फॉर्म इसके जरिए भी आप भर सकते हैं, इस वाले लिंक के जरिए आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इसको आप स्कैन कर लेंगे तब भी फॉर्म को भर देंगे, तभी भी आपकी फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, और इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगा, आप इसको स्कैन करके भी अप्लाई कर सकते हैं डाउनलोड करने के। ठीक है, और जामिया मिशन वेबसाइट पर भी ये फॉर्म अपना मिल जाएगा आसानी से, आप वहाँ से ले सकते हो, स्टडी मटेरियल भी चाहिए तो jamiamission.com से जाएंगे, स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट मस्ट सबमिट प्रिंटेड कॉपी ऑफ द फील्ड ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट DSW, अब DSW में आपको क्या करना है कि आप सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करें यहाँ पे DSW पे, DSW में, ठीक है, इन स्टूडेंट वेलफेयर में। ठीक है, द शेड्यूल फॉर द सबमिशन ऑफ द हार्ड कॉपी प्रिंटेड कॉपी विल बी डिक्लेयर ऑन द वेबसाइट, अभी इतना अगर जो शेड्यूल टाइप का, तो इस वाले वेबसाइट पर आपको जाना है, वहाँ से डाउनलोड करके तो आपको साथ में ले जाके DSW में अप्लाई कर देना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जामिया टाइप करना ना भूले। मैं हूँ मोहम्मद साजिद खान, दुआ में याद रखें, डेट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।